कैनेडियन रिसर्चर ने एक ऐसे वायरस के लिए अवार्ड जीता है जो ओवरी और ब्रेस्ट कैंसर को ठीक कर सकता है। इस रिसर्च को कैंसर किलर के तौर पर देखा जा रहा है। इस स्टडी पर क्या कहना है अवार्ड जीतने वाली ओटावा यूनिवर्सिटी की एमडी पीएचडी स्टूडेंट टेलर जेमिसन डैट्सके का, देते हैं आपको पूरी जानकारी। लेकिन इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। कोविड 19 महामारी के वक्त कई तरह की बीमारियों की चिंताओं के बीच कैनेडियन रिसर्चर ने ओवरियन एंड ब्रेस्ट कैंसर को खत्म करने वाले वायरस की खोज की है, जिसके लिए उन्हें माइटैक्स ने अवार्ड दिया है। टेलर जेमिसन डैट्सके के मुताबिक वो ऐसे वायरस पर स्टडी कर रही हैं जो निश्चित तौर पर ब्रेस्ट एंड ओवरियन कैंसर को कम करने में मदद करेंगे। उनकी ये खोज उन पेशेंट्स के लिए ज्यादा मदद करेगी जो कैंसर से लड़ने की उम्मीद छोड़ चुके हैं। ये स्टडी एक नए तरह के इलाज से मरीजों को ठीक कर सकती है और ट्यूमर को वक्त रहते खत्म करने में मददगार साबित हो सकती है। इससे मरीजों को वक्त रहते ट्यूमर की जानकारी हो जाएगी। टेलर ने कहा कि कैंसर पर खोजी जा रही दवाओं से ज्यादा अच्छा है ट्यूमर को खत्म करना, और अगर यह प्रयोग सफल रहा तो कैंसर को शुरुआती स्टेज में ही पहचाना जा सकेगा और यह शरीर के इम्यून सिस्टम को भी बढ़ाएगा। टेलर द्वारा की गई स्टडी चूहों पर की जा रही है और सफलता मिलते ही इसका इंसानों पर ट्रायल किया जाएगा। वहीं टेलर का कहना है कि वो चाहती हैं कि महिलाएं और स्वदेशी लोग ऐसी बीमारियों पर रिसर्च करें जिससे आने वाली पीढ़ी को फायदा हो। फिलहाल वह लेट्स टॉक साइंस के माध्यम से एक मेंटरशिप प्रोग्राम में हिस्सा ले रही हैं, जहां वो ओटावा के बाहर ग्रामीण समुदायों के स्वदेशी हाई स्कूल के छात्रों के सामने विज्ञान मेले के माध्यम से उन्हें जागरूक करेंगी। वहीं उन्होंने महिलाओं की भागीदारी पर जोर दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर कोई फीडबैक हो तो कॉमेंट बॉक्स में लिख कर हमें बताएं।